मंडलेश्वर प्रतिबंधित प्लास्टिक के संबंध में नगर में प्रचार प्रसार एवं जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली संचनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल मध्य प्रदेश व क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इंदौर से जारी निर्देशानुसार दिनांक 1 जुलाई 2022 शुक्रवार से पॉलीस्टाइरीन और विस्तारित पॉलीस्टाइरीन थर्माकोल वस्तुओं सहित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण आयात भंडारण वितरण विक्रय और उपयोग पर प्रतिबंध लागू किया गया है। प्रतिबंधित प्लास्टिक के संबंध में नगर में प्रचार प्रसार एवं जन जागरूकता रैली में शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मंडलेश्वर के समस्त छात्रों शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मंडलेश्वर की समस्त छात्र छात्राओं द्वारा निकाली गई। रैली शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से प्रारंभ होकर घंटाघर बस स्टैंड होते हुए रैली शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में संपन्न हुई। तत्पश्चात पवन यादव द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की छात्र छात्राओं को शपथ दिलाई गई। रैली के अंतिम चरण में शासकीय कन्या शाला की उर्वशी नाम की बालिका द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक बंद के प्रति स्कूल कैंपस जन जागरूकता संदेश भी दिया गया। हमने रैली इसलिए निकाली है क्योंकि इससे हमें बहुत हानिकारक तत्व होते हैं जिससे हम बीमार पड़ सकते हैं, और जो गायें रहती है वो प्लास्टिक की पन्नियां खा जाती है, उससे उनके अंदर आर्टरी में फंस जाती है जिससे वो बीमार हो सकती है और मर भी सकती है। इसलिए और कोई किसान खेत में जैसे प्लास्टिक की पन्नियाँ चली जाती है तो उससे भी प्लास्टिक की पन्नी अंदर चली जाती है तो फसल ख़राब हो जाती है, तो फसल ख़राब होने के बाद अगर खा लेते हैं उस फसल को तो हम बीमार पड़ सकते हैं। और प्लास्टिक जैसे नदी में चली जाती है जिससे हम पानी का सही उपयोग नहीं हो पाता है, और जिससे हम पानी का सही उपयोग नहीं ले पाते हैं और जिससे हमारी बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती है। यूज़ करते हैं तो उसमें हम रोटी सब्जी लाते हैं जिससे हानिकारक पदार्थ हमारे अंदर चले जाते हैं जिससे हम बीमार भी पड़ सकते हैं, इसलिए प्लास्टिक का कम से कम उपयोग। नगर परिषद आप सभी को बताया स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का जो रिजल्ट आया है उसमें हमने गोल्ड मेडल हासिल किया था स्वच्छता में। सर्वेक्षण 2022 का जो ODF का रिजल्ट आया उसमें हमारा जो शहर है वो पूरा खुले में शौच मुक्त शहर बन चुका है, इसके लिए भी आप सभी को बधाई। जलवायु मंत्रालय और वन मंत्रालय द्वारा 1 जुलाई 2022 से प्लास्टिक पॉलीथीन और पॉलीस्टाइरीन वस्तुओं पे पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। न तो आप उसका विक्रय कर सकते हैं, न उसका भंडारण कर सकते हैं, न ही उसका स्टॉक कर सकते हैं। और यदि आपको कोई बेचते हुए या सेल करते हुए या फिर किसी को देते हुए मिले तो आप बकायदा नगर परिषद से संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पे आप बता सकते हैं, ठीक है। और हमें एक आज शपथ लेना है कि हमें स्वयं को भी पहले उसका उपयोग नहीं करना, सबसे पहले तो सर्वप्रथम हमें अपने आप से शुरुआत करना चाहिए, ठीक है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि हम यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते हैं, सर्वप्रथम ये शिक्षा हमारी रहे कि हम प्लास्टिक पॉलीथीन का उपयोग न करें। कल जैसे हम लोग टिफिन लाते हैं या फिर कोई सा बॉक्स लाते हैं या फिर कुछ सामान लेने जाते हैं मार्केट में, तो हम लोग वहाँ पर प्लास्टिक पॉलीथीन ना लें। यदि कोई देता भी है तो हम उन्हें टोके रोके और रोक टोक के जागरूक करें कि भैया प्लास्टिक पॉलीथीन बंद हो चुकी है, अभी हमने कपड़े की थैली का उपयोग करना है, और आप बकायदा उससे कपड़े की थैली लें तभी आप सामान खरीदें, ठीक है। डिजियाना न्यूज मार्ट रिपोर्ट मंडलेश्वर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट।